हम ये जरूर चाहेंगे। पहली गेंद मिस टाइमिंग स्ट्रोक और ये बेहतरीन कैच, क्या बात है, एक हाथ से कैच को लपका और यहाँ पर आउट होते हुए जयवंत अपना खाता भी नहीं खोल पाए। नरेश स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है, अपना निर्णय आपको ताबड़तोड़ बताना है कुछ समय में। लास्ट लगे तेरे 50 असल को दीजिए मदीना वीडियो है एक पहली गेंद पर पहला विकेट। केला नहीं कुछ मैंने आता जो फोटो कॉपी करना आता डिलीट कर कॉपी करो सगला डिलीट कर लौट चुके हैं। जयवंत जो कि एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम में, पहला ओवर उन्होंने किया था, मात्र 5 रन खर्च किए थे लेकिन बल्लेबाजी में कुछ कारनामा नहीं कर पाए, विकेट गंवा कर पवेलियन की राह लौट चुके हैं। अब उनकी कमी पूरी करने के लिए गणेश को भेजा गया है। गणेश से आशा और उम्मीद जरूर होगी कि कुछ बड़े स्ट्रोक इनके बल्ले से जरूर देखने मिले, क्योंकि जीत के लिए लक्ष्य जो रखा गया है वो है 35 रनों का, 35 रनों का, हर ओवर में लगभग 5 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। डे 2 में देखो अच्छा 6 रनों की जरूरत पिता ने बनाला, सेमीफाइनल होती ना कभी। इस बार अच्छा स्ट्रोक था, सम्मानजनक स्ट्रोक, एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, एक रन से संतुष्ट, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस एक रन के साथ बल्लेबाज ने अपना और अपनी टीम का खाता जरूर खोला और जीत के लिए 34 रनों की और दरकार है। पहला ओवर प्रगति पथ पर, इसी बीच ये गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, गेंद जाती हुई डी बैक कवर के क्षेत्र में, एक रन तेजी के साथ पूरा करते हुए दूसरा रन लेना चाह रहे हैं, दूसरे रन में कामयाबी मिलती हुई और लगभग यहां पर 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, 2 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस 2 रन के साथ स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 3 रनों पर, दूसरा पहला ओवर प्रगति पथ पर है, 2 खिलाड़ी सर्कल लग के बाहर नजर आते हुए। बिल्कुल शंकर जी की अगर बात करें जरूर इस गेंद के बाद हम बात करेंगे उनकी। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक लेकिन सेफ लैंडिंग करती हुई गेंद, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल गेंदबाज शंकर जी की अगर बात करें 55 ईयर्स के हैं, 55 साल की इनकी उम्र है लेकिन गेंदबाजी देखिए मानिए बचपन की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, लाजवाब खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, अनुभव किसे कहा जाता है उसका पूरी तरीके से प्रसारण करते हुए। इस बार ये गेंद बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे बिना लाइन और लेंथ में आकर स्ट्रोक को अंजाम देने की कोशिश, लेकिन गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर कर बैठे, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल और वाइड बॉल के साथ साथ अतिरिक्त रनों में 2 रन जरूर शुमार होंगे और स्कोर इस वक्त जा पहुंचा है लगभग 6 रनों पर, 6 रन हो चुके हैं, 2 गेंदे अभी भी शेष हैं, 2 गेंदे अभी भी बाकी है इस ओवर की। इस बार कदमों का इस्तेमाल कर फ्रंट फुट पर निकलकर बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई, गेंद सुरक्षित डॉट के रूप में, इस डॉट के साथ साथ एक अच्छी वापसी जरूर दिलाते हुए गेंदबाज शंकर। शंकर फिर से एक बार सज्ज होते हुए 10 से 12 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से बल्लेबाज है इस वक्त रमाकांत। और ये क्लीन बोल, क्या बात है, बेहतरीन गेंदबाजी, रमाकांत की इनिंग की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति, साथ ही साथ एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डाले तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ, 6 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद शिनोबा स्पोर्ट्स कासरगोड की टीम का जीत के लिए लक्ष्य 35 रनों का, अब बची हुई 24 गेंदे शेष और 29 रनों की जरूरत, 24 गेंदे 29 रन, 29 रन इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए, तो देखने वाली बात यह होगी क्या शेंडुवा स्पोर्ट्स कासरगोड लीग की टीम इस लक्ष्य को छू पाती है या फिर इन्हें लोहे के चने चबाने होंगे। इसके बाद 40 प्लस के मैचेस के बाद आप देखोगे यहां पर परफॉर्मेंस करते हुए 8 टीमों को आज के दिन 8 दिग्गज टीमें आपस में टकराएंगी। आज का दिन यानी क्रिकेट डे मनाया जा रहा है, बर्थडे डे के साथ साथ क्रिकेट की मेजबानी जरूर देखने मिल रही है। आज के दिन का पहला मुकाबला हम देखेंगे बिल्कुल पुष्मात्र भाईंदर पाड़ा वर्सेज
नरेश स्पोर्ट्स कासर वड़ोली के बीच नरेश स्पोर्ट्स के कैप्टन ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद पहले क्या उनका निर्णय आता है ये अब तक के हम तक के पहुंचा है। पहले गेंदबाजी करने का उनका निर्णय है और अपनी सहयोगी टीम पोषमात्र महेंद्र पाड़ा को आमंत्रित किया है उन्होंने बल्लेबाजी के लिए। तो दोनों ही टीमों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इस अगली मैच के लिए। तो चलते हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं 40 प्लस के मुकाबले, जो भी टीम जीत हासिल करेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी और फाइनल में उनका दोपहर के वक्त मैच होगा वाकबिल के साथ। इस बार ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, कंट्रोल नियंत्रण ये चीजें जरूरी होती हैं। अगर आप हाईवे पे हो, गाड़ी आपकी स्पीड में दौड़ रही हो तो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होगा तो दुर्घटना घटेगी। उसी तरीके का दृश्य देखने मिला, गति बहुत बढ़िया थी लेकिन लाइन और लेंथ और कंट्रोल ये नहीं देखने मिला, इस कारण दो रन जरूर मिलेंगे अतिरिक्त के रूप में। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया, पावरफुल किया, वंडरफुल किया, ब्यूटीफुल किया एंड सक्सेसफुल किया चार रन के लिए। इस चार रन के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ जा पहुंचा है 12 रनों पर। विष्णु को दूसरी ओवर दी गई, विष्णु ने पहली गेंद वाइड के रूप में की जिसमें दो रन खर्च हुए, दूसरी गेंद पर चौका आया, यानी एक गेंद में इन्होंने 6 रन खर्च किए। और जरूरती रन रेट की अगर बात करें, रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 6 रन हर ओवर में अगर ये टीम बनाती है तो जीत इनके हिस्से आ सकती है। इस वक्त रनों को रोकना है, इस वक्त ना कि बड़े हिट खेलने देना है बल्लेबाजों को। लेकिन यहां पर बल्लेबाज को रोकेगा कौन, क्या बड़ा हिट लगाया है, गेंद जाती हुई वाइडिश बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, जानदार स्ट्रोक और शानदार स्ट्रोक 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 18 रन। जिस तरीके से हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कभी भी बढ़ते हैं कभी भी घटते हैं, उसी तरीके से यहां पर दाम नहीं बल्कि रन बढ़ते हुए। प्लेयर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ग्राउंड के अंदर आ जाना है, जो प्लेयर ग्राउंड के बाहर गए हैं आपको ग्राउंड के अंदर आ जाना है प्लीज, मैच की शुरुआत करनी है, आप ग्राउंड के बाहर ना जाए बॉल लेने के लिए। क्या बात है, काफी महंगा ओवर। इस बार बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर की अगर बात करें 19 रन यहां पर। अब मेरे ख्याल से शिडोबा स्पोर्ट्स कासर वड़ोली की टीम एक अच्छे पोजीशन में आती हुई, एक अच्छे पायदान पर आती हुई, क्योंकि इस वक्त रनों की रन संख्या काफी अच्छी हो चुकी है। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक लेकिन गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, सेफ कैच, सेफ हैंड कैच जरूर कहा जाएगा। क्या खूबसूरत कैच यहां पर विनायक ने पकड़ा है, विकेट का बदाम होता हुआ एक सेट बैट्समैन को उन्होंने पवेलियन की राह लौटाने में काफी बड़ा योगदान। और ये एक और झटका यानी दूसरा झटका जरूर, तीसरा झटका लगता हुआ शिडोबा स्पोर्ट्स कासर वड़ोली की टीम। गणेश आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए, गणेश अपने आप से नाखुश नाराज जरूर नजर आए। गणेश एक रन बनाकर पवेलियन की राह लौट चुके हैं लेकिन अब गणेश की जगह पूरी करने के लिए यहां पर रमन शिंगे इस बल्लेबाज को भेजा गया है। और अब देखना यह है कि किस तरीके से इस लक्ष्य को पार किया जाएगा, क्योंकि गेंदे काफी ज्यादा है। रनों की अगर बात करें तो जरूरती रन रेट काफी कम नजर आता हुआ इस वक्त अगर बात की जाए तो, क्योंकि स्कोर 19 रन हो चुके हैं, जीत के लिए 35 रनों का पीछा करती हुई टीम। इस बार कलाइयों का अच्छा उपयोग, गेंद हवा में और भी विकेट का बदम, ये बड़ा झटका लगता हुआ, चतुराई भरा स्ट्रोक करना चाह रहे थे लेकिन शॉट मिड विकेट पर जो खिलाड़ी तैनात थे उन्होंने कोई गलती नहीं की, कोई चूक नहीं की और ये खूबसूरत कैच विकेट का पतन होता हुआ। एक और झटका लगता हुआ, बिल्कुल यहां पर जरूर विकेटों का आवागमन जारी है लेकिन रनों की रन संख्या अभी भी अच्छी पोजीशन में
नजर आती हुई शेंडोबा स्पोर्ट्स कासर वडोली की टीम। 19 खेले और 16 रन, मैच का इक्वेशन और सिचुएशन कुछ इस प्रकार का दर्शाता हुआ। कल के दिन हमने मैचेस देखे, 12 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी, मैच का सिचुएशन आ चुका था एक बॉल दो रन। क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट की मेजबानी की अगर बात करें, क्रिकेट कब रन बदले भरोसा है। इस बार ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई अब बची हुई गेंदे हैं लगभग 18 गेंदे शेष और जीत के लिए 16 रनों की जरूरत। इस वक्त चतुराई भरी बल्लेबाजी करनी होगी, इस वक्त सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, या फिर बल्लेबाज एक आधा बड़ा हिट लगाते हैं तो मैच में अपनी पकड़ उनकी मजबूत हो सकती है। चलिए फील्डिंग की टीम, टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्लीज बी फास्ट गाइस। समय के मामले में थोड़ा प्लीज सपोर्ट करें क्योंकि आज के दिन काफी मैचेस हैं, आज का अंतिम और आखिरी दिन इस प्रतियोगिता का। वेलकम पोष मात्र भाईंदरपाड़ा ऑल टीम मेंबर्स तेजस एंड ऑल कंपनी, वेलकम, सुस्वागत, आपका हार्दिक स्वागत। बर्थडे ट्रॉफी सुशांत उपाधम की तरफ से रखा गया, ये एक बेहतरीन सुनहरी संधि, आप सभी का दिल की गहराइयों से आपका वेलकम है, स्वागत है। और चलते हैं मैच की तरफ, रुक करेंगे, गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है इस वक्त गेंदबाज सहदेव ने। सहदेव की अगर बात करें, लंबे रन के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर बात करें रामकृष्ण की तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, रामकृष्ण बड़े हिट लगाने में माहिर हैं। और इस बार गेंद को जज किया, उन्होंने ये फैसला किया कि इस गेंद को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है और इस गेंद को उन्होंने जाने दिया। और ये गेंद वाइड के रूप में नहीं, यानी अतिरिक्त रनों में एक रन जरूर जुड़ता हुआ और एक रन के साथ स्कोर आहिस्ते आहिस्ते आकार लेता हुआ 20 रनों पर। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद डिक्ले जोन की ओर, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पर। जीत के लिए 14 रनों की और जरूरत इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। अगर इस मैच को जीतना है शेडोबा स्पोर्ट्स की टीम को तो जाहिर सी बात है कि अब यहां पर सर पे बर्फ रखकर बल्लेबाजी करनी होगी। अंपायर्स मैच को रुकाना नहीं है, जूने बॉल से ताबड़तोड़ मैच की शुरुआत करनी है, ग्राउंड के अगर बाहर बॉल जाता है तो। इस बार आना के इशारे, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, फॉलो थ्रो में गेंद को स्टॉप करने की कोशिश की लेकिन यहां पर सदैव कामयाब नहीं हो पाए। सिंगल सिंगल से रनों की रन संख्या को आगे करने की कोशिश बल्लेबाजों की जारी है। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार सहदेव तैयार, इस बार फुल लेंथ गेंद थी, बल्ले के जड़ से खेला गया स्ट्रोक, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, हारा के इशारे दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन एक रन से ही अपने आप को संतुष्ट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। समय की अगर बात करें तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट मैच के लिए मैं बताना चाहूंगा, दोनों ही टीमें ये चीज ध्यान में रखें, आपको 20 मिनट दिया जाएगा अपनी 4 ओवर की समाप्ति के लिए, उससे ज्यादा का समय अगर आप लोगे तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के क्षेत्र में, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बढ़िया रही, तालमेल अच्छा रहा, इशारों इशारों में यहां पर 2 रन चुराने में कामयाब रहे और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है लगभग 25 रनों पर, 25 रनों पर। जीत के लिए 10 रनों की और दरकार है, इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए 10 रनों की और जरूरत। इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास किया गया, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद, खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन जरूर नितिन के माध्यम से देखने मिला और एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, खूबसूरत फील्डिंग। ये है 40 प्लस के खिलाड़ी, आजकल के हमारे यंगस्टर्स की बात करें तो यंगस्टर्स 2 ओवर में 3 ओवर में ग्राउंड में पानी मंगाते हैं, इसका कारण ये है कि जो आजकल विभिन्न तरह के च्यवनप्राश निकले हैं उनका सेवन ना करें, उनसे दूर रहें, तब जाकर आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी ये हम जरूर कहेंगे। इस वक्त थोड़ी सी खराब फील्डिंग जरूर देखने मिली है,
लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट में दो रन जरूर मिलेंगे, दो रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस दो रन के साथ स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 28 रन, 28 रन हो चुके हैं। अब 12 गेंदें शेष बची हैं और 12 गेंदों में जीत के लिए मात्र सिर्फ ओनली 7 रन, 12 गेंदें 7 रन। गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए इस बीच नितिन जी अगर आप हैट्रिक लेते हैं तो बड़े बॉय सुशांत मुकादम साहब की तरफ से 1,000 रुपए की इनामी राशि आपके लिए रखी गई है, 1,000 रुपए। इस बार कैच होने के चांसेस और ये कैच छूटा। ओहो हो, अगर ये कैच भी पकड़ लेते तो 150 रुपए फिक्स थे। मानी श्री विष्णु जी शिंगे सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आइए, वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ानी है तो सर प्लीज स्टेज पर आ जाइए। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक और ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ परिवर्तित होती हुई, दो रनों के लिए दौड़ लगी है, दो रन जरूर यहां पर पूरे किए। मान्य श्री विष्णु सिंह सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपको वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ानी है, सर आइए, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत बड़े ट्रॉफी 2018 में। आज जिनका जन्मदिन है उनके फादर इन लॉ, आइए सर आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागत है। जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ दो रनों की जरूरत, मात्र दो रनों की जरूरत। और ये गेम और इस मैच को जीत लिया है शेनोवा स्पोर्ट्स कासरगोड़ की टीम ने, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, वेल प्ले।